వెల్కమ్ టు క్రేజీ న్యూస్. మధ్యప్రదేశ్ నుండి దాదాపు 150 మంది కూలీలతో హైదరాబాద్ వెళ్తున్న ఓ ప్రైవేటు బస్సును ఆదిలాబాద్ రవాణా శాఖ అధికారులు పట్టుకుని సీజ్ చేసి ఆదిలాబాద్ ఆర్టీసీ డిపోలో నిలపడం జరిగింది. ఆదిలాబాద్ బస్టాండ్ లో దిగిన బస్సులో ఉన్న వలస కూలీలు చిన్నపిల్లలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని తెలుసుకున్న ఆదిలాబాద్ జిల్లా కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షులు సాజిద్ ఖాన్, కాంగ్రెస్ పార్టీ పట్టణ అధ్యక్షులు నగేష్, నాయకులు షేక్ ఖలీం, సంతోష్ ఖాడే, రసూల్ ఖాన్, జాబీర్లతో కలిసి వారికి భోజన సదుపాయం కల్పించి రవాణా శాఖ అధికారులతో ట్రావెల్స్ యాజమానులతో మాట్లాడి వారిని హైదరాబాద్ కు పంపించడం జరిగింది. మధ్యప్రదేశ్ సే హైదరాబాద్ జానే వాలి ఏక్ బస్ జిస్మే కరీబ్ కరీబ్ 148 సే 150 లోగ్ సఫర్ కర్ రహే థే. గైర్ కానూనీ తౌర్ పే మధ్యప్రదేశ్ కే బస్ వాలే నే ఇత్నే లోగ్ కు బిఠా లియా. పహలే కమ్ లోగ్ థే, ఆగే 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 లోగోం కు బిఠాతే హువే యే సారే లోగ్ మధ్యప్రదేశ్ సే హైదరాబాద్ కే లియే लेबर का काम करने, कंस्ट्रक्शन काम करने के लिए जा रहे थे. तो आरटीओ डिपार्टमेंट आदिलाबाद चेक पोस्ट पे ये लोगों को रोक के चेकिंग करते वक्त बस में इतने सारे लोग रहने से कानून के खिलाफ है बोल के उनके बस को सीज कर कर उनको चेक रिपोर्ट देकर आदिलाबाद बस डिपो में बस लगाया गया. तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं बोल के मेरे अपने दोस्त अहबाब बोले कि यहाँ पर भूखे प्यासे और सफ़र के लिए किसी गाड़ी का इंतज़ार करते हुए मेरे हिंदुस्तानी भाई एक करीब 150 भाई यहाँ बैठे हुए बोल के मालूम होते हैं. हमारी कांग्रेस की टीम और सारे लोग मिलकर आकर MBI DTC साहब से और DSP साहब कलेक्टर मैडम से भी बात करने की कोशिश की है कि इनको किसी जरिए से इनके घर तक पहुँचाए. और फिर जो बस ओनर था उनसे बात करें तो वो रिस्पॉन्स देने को तैयार नहीं था कि वो ड्राइवरों को मालूम मुझे नहीं मालूम. तो फिर उसको अपने लैंग्वेज में समझा कर इनको बसों का इंतज़ाम करा रहे हैं. और मेरी पूरी टीम हमेशा ऐसे काम में पहले रहती है. तो इनके पूरे लोगों का खाने का इंतज़ाम, नाइट का डिनर करवा कर इनको आज आदिलाबाद से हैदराबाद भिजाने का इंतज़ाम कर रहे हैं. मैं वो पूरे लोग, मेरे लोग जो खाना बना के लाए और जो टीम पानी की सहूलत कराए और जो हर चीज़ बसेस अरेंज करने में जो मदद करें उनका शुक्रिया अदा करता हूँ. और साथ ही साथ जो मुझे यहाँ पे ऐसे लोग हैं बोल के मेरे प्रेस के मित्र और कुछ दोस्त अहबाब मुझे बुलाए, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ. और मैं चाहता हूँ कि मैं इस वीडियो के जरिए गवर्नमेंट को एक बात की बताना चाहता हूँ कि जितने भी माइग्रेंट लेबर हैं उन लोगों को भी ये समझाना चाहता हूँ कि इस तरीके से एक एक बस में 150-150 लोग ना जाए, इसलिए कि सफ़र में आपको तकलीफ हो जाती है और एक्सीडेंट हुआ तो बहुत बुरा हाल हो जाता. और मैं वो ट्रक मालिक, वो बस मालिक के ट्रैवल्स मालिकों से भी गुजारिश करता हूँ कि इतनी तकलीफ ना दें. और मैं MBI और DTC साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि आप अगर कोई बस सीज करते हैं तो लोगों को रोड पे मत छोड़िए, उनको उस बस वाले से चार्ज लगाकर इनको पहले दूसरे बस में बिठाकर इनके अपने मुकाम पे पहुँचाइए. क्योंकि ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी है. मध्य प्रदेश से गरीब लोग काम करने अपने स्टेट को आ रहे हैं, लेबर नहीं है बल्कि अपने स्टेट को लेबर आ रहे हैं और यहाँ पर वो लोग खाने के लिए, पानी के लिए और सफ़र के लिए बहुत परेशान हैं. तो ऐसे वक्त फ़ौरन इनको अरेंज करने की ज़रूरत है, चाहे DTC MBI डिपार्टमेंट की तरफ से हो, RTO डिपार्टमेंट की तरफ से हो या आदिलाबाद कलेक्टर की तरफ से हो, उनको इमीडिएट पहुँचाने की कोशिश करना बोल के मैं गुजारिश करते हुए और सभी लोग जो हमारी చూశారు కదా ఇప్పటి వరకు ఉన్న తాజా వార్తలు, చూస్తూనే ఉండండి మీ క్రేజీ న్యూస్.